वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आज प्रेगनेंसी में जो HIV इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसके लिए हम हमारा क्या डायग्नोस होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, या फिर फीटस को हम कैसे HIV होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो HIV एक इनक्यूरेबल इन्फेक्शन है जो कि अल्टीमेटली क्या कंडीशन पैदा करता है, अल्टीमेटली वो एक जो टर्मिनल डिजीज है जिसको एड्स बोलते हैं वो लीड करता है। तो HIV इन्फेक्शन होने से लेकर और एड्स के डेवलपमेंट तक 8 to 10 ईयर का टाइम लग जाता है। लेकिन अगर और HIV जो वायरस है वो एक आरएनए रिट्रो वायरस होता है HIV वायरस। अगर HIV वायरस अगर वुमन में है और वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के टाइम में हो सकता है कि उसमें फर्स्ट टाइम सिम्टम्स दिखाई दें HIV के ना, या फिर और भी लाइफ थ्रेटनिंग जो इन्फेक्शन हो सकते हैं वो उसमें डेवलप हो जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में उसकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो सप्रेस रहता है, इस वजह से उसमें ये इन्फेक्शन में सिम्टम्स या फिर अदर जो डिजीज कंडीशन है वो हो सकती है। तो और HIV की जो प्रेगनेंस रेट होती है इसमें प्रेगनेंट वूमेन में वो 0.3% बताई गई है इंडिया में, ठीक है। और जो फीटस में इसमें ट्रांसमिशन की रेट है, वर्टिकल ट्रांसमिशन की है, वो 30% के लगभग होती है, ठीक है। अब देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कैसे ये ट्रांसमिशन होता है HIV का, तो इसमें इसके लिए क्या होता है कि सेक्सुअल एक्सपोजर हो सकता है या जेनिटल सिक्रीशंस का, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जेनिटल सिक्रीशंस का एक्सपोजर होना, या फिर पेरेंटल एक्सपोजर हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्टेड ब्लड या इन्फेक्टेड टिश्यू से अगर कॉन्टेक्ट हो तो उससे भी HIV इन्फेक्शन हो सकता है। पेरीनेटल पीरियड होता है उसमें भी ये ट्रांसमिट हो सकता है मैटरनल टू फीटस, क्योंकि जो और इसके अलावा वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो पैथोजन होता है वो मदर टू फीटस में ट्रांसफर होता है बिफोर बर्थ या फिर आफ्टर या ड्यूरिंग बर्थ। तो वो ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी ट्रांसमिशन हो सकता है। और ड्यूरिंग बर्थ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो अगर फीटस या मैटरनल ब्लड का या उसके जेनिटल सिक्रीशंस का, तो उससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है। और अब देखते हैं जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन के वो कौन कौन से होते हैं। तो वो दो होते हैं, मैटरनल एंड फीटल रिस्क फैक्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैटरनल रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन के। तो अगर मदर के ब्लड में वायरल लोड इंक्रीज है तो, या फिर जो मदर है उसमें जो वायरस है उसके जो बायोलॉजिकल एफिकेसी है वो अगर इंक्रीज है तो, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर जो अगर मदर ड्रग एब्यूजर्स हैं, या फिर उसमें CD4 काउंट सेल डिक्रीज है, या फिर ल्यूकोसाइट्स का लेवल भी उसके ब्लड में डिक्रीज है तो, ठीक है, या फिर उसके प्रेगनेंसी के टाइम में कोई और इन्फेक्शन अगर उसमें प्रेजेंट है, जैसे कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो जिसके थ्रू क्या सेक्सुअली जो होता है वो ट्रांसमिशन HIV का हो सकता है, या फिर उसमें विटामिन बी ए या फिर जिंक का लेवल अगर कम हो, या फिर उसके अलावा जो अगर कोई इन्वेसिव प्रोसीजर अगर किया जाए, जैसे इन्वेसिव नीडलिंग प्रोसीजर हो या इन 1990 पीरियड में, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस या फिर सी
प्रेग्नेंट करते हैं तो, या फिर एपिसियोटोमी, या फिर कोई ऑपरेटिव और वजाइनल डिलीवरीज में, तो उसमें क्या ब्लड ब्लड का एक्सपोजर होता है फीटस के साथ में, या फिर जो अलग अलग कोई और इन्फेक्शन होता है, जैसे कोई असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है डेवेंटर ट्रैक्ट में, और इसके बाद में और फीटल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे फीटल रिस्क फैक्टर जैसे कि जो प्रीमैच्योर फीटस होते हैं, और या फिर जो अगर फीटस ने वायरस को इंजेस्ट कर लिया, इंजेक्शन ऑफ वायरस, या फिर जो और इन्वेसिव फीटल मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स में हो सकता है, जैसे कि फीटल स्काल्प इलेक्ट्रोलाइट्स एप्लीकेशन, या फिर जो फीटल स्काल्प ब्लड सैंपलिंग, या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड सैंपलिंग अगर करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, या फिर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ मैटरनल सिक्रीशंस, या फिर ब्रेस्ट ब्रीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। उसके बाद देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो अगर प्रेगनेंट वुमन है उसमें अगर अगर शुरुआती इन्फेक्शन है, प्राइमरी इलनेस है, तो उसमें हो सकता है कि वो एसिम्प्टोमेटिक रहे। ठीक है, तो अगर तो क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है एचआईवी का, उससे लेकर जो डिजीज कंडीशन डेवलप होती है उसमें 8 to 10 ईयर का समय लगता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो हो सकता है उसके सिम्टम्स बाद में आए, धीरे धीरे अपीयर हो। ठीक है, या फिर ये सिम्टम्स प्रोलॉन्ग भी हो सकते हैं, मतलब क्योंकि अगर वो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी अगर ले रही है तो ये जो पीरियड है इन्फेक्शन से लेकर डिजीज कंडीशन का, वो उसमें प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। तो क्या होता है कि WHO ने एक स्टेजिंग जो सिस्टम है वो बताया गया है कि HIV इन्फेक्शन का, या फिर जो एड्स है उसका, मतलब कैसे कैसे उसमें सिम्टम्स आते हैं ह्यूमन में, तो वो एक स्टेजिंग सिस्टम के थ्रू बताया गया है। तो उसमें 4 स्टेज बताई गई हैं, तो उसमें देखते हैं स्टेज फर्स्ट। तो स्टेज फर्स्ट में उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेज है वो लगभग एसिम्प्टोमेटिक रहती है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे फीवर, मलेस, या फिर लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है। और जो स्टेज सेकंड है उसके अंदर वो भी लगभग एसिम्प्टोमेटिक रहती है, लेकिन उसमें कुछ माइनर सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि उसका वेट लॉस हो सकता है, टोटल बॉडी वेट का लेस देन 10% उसमें वेट लॉस हो सकता है, फिर उसमें रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे सिनुसाइटिस या टॉन्सिलाइटिस या फेरिंजाइटिस वगैरह हो सकते हैं, या फिर हर्पीस इन्फेक्शन, हर्पीस जोस्टर वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर रिकरेंट ओरल अल्सर्स उसमें हो सकते हैं। और उसके बाद में स्टेज थर्ड, तो स्टेज थर्ड होती है वो सिम्प्टोमेटिक होती है, तो उसमें थोड़े सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें वेट लॉस होता है, वो मोर देन 10% उसका वेट लॉस होगा, और उसके साथ साथ में क्रोनिक डायरिया उसमें रहेगा मोर देन 1 मंथ, या फिर क्रोनिक उसमें फीवर की कंडीशन रहेगी, ठीक है, उसमें परसिस्टेंट फीवर रह सकता है मोर देन 1 मंथ, या फिर मोर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसके अलावा ओरल कैंडिडियासिस हो सकता है, या लिम्फो प्लेगिया हो सकता है, पल्मोनरी टीबी हो सकती है, या फिर अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस या गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या एनीमिया, न्यूट्रोपेनिया, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी उसमें होता है। और अब देखते हैं स्टेज फोर्थ, तो स्टेज फोर्थ भी सिम्टोमेटिक है, इसमें इन्फेक्शन एडवांस हो जाता है और ये HIV वास्टिंग सिंड्रोम भी इसमें हो सकता है, जैसे कि क्लाइंट होता है वो कोई भी कॉमन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उनके लिए वल्नरेबल हो जाता है, या फिर कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है उसमें वो डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो सीरियस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इसमें हो जाएगी प्रेगनेंट वूमेन, इसके अलावा उसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी डेवलप होगी, ठीक है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी उसमें हो सकती है,
ब्लॉक से साल होना ये भी उसमें डेवलप होकर धीरे धीरे। उसके बाद में डायग्नोसिस देखते हैं चीज, तो उसमें डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जो एच आई वी इन्फेक्शन है वो उसको क्लिनिकल फीचर्स से हम सस्पेक्टेड कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट, कुछ टेस्ट होते हैं जो एच आई वी एंटीबॉडीज के लिए किए जाते हैं, जैसे कि एलिजा है, एंजाइम फॉर्मेट ऐसे एलिजा है, या फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है। एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट या फिर IFA, इम्यूनो फ्लोरोसेंस ऐसे। और इसके बाद इसके अलावा एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी क्या देते हैं,
साथ टीआई दिया जाता है। वर्कर्स हैं उनको मतलब वो पूरा ध्यान रखें कि वो उस
के लिए। तो पहले बेबी को अच्छे से उस पर हम वॉश करेंगे, जो भी उस पर सिक्रीशन या ब्लड लगा है उसको वॉश करेंगे, उसको बेबी को बात देंगे, ठीक है। तो उसको लेबर के तुरंत बाद में उसको बेबी को बात देना चाहिए, और बात देने के बाद में उसको विटामिन के या फिर कोई भी अलग नमूना लगाना है तो ऐसे कुछ भी काम करना है तो उसको बच्चे को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद में ही ये सब करना चाहिए। और एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी उसमें स्टार्ट की जाती है बच्चे में, जो डिलीवरी है उसके 6 to 12 आवर, डिलीवरी के बाद में 6 to 12 आवर के अंदर अंदर बच्चे में भी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट की जाती है। अगर बच्चे में लो रिस्क है ट्रांसमिशन का तो उसमें जीटोकुडीन दी जाती है 4 वीक के लिए, और अगर उसमें हाई रिस्क है ट्रांसमिशन का तो उसमें जीटोकुडीन दी जाती है 6 वीक के लिए, और लैमिकुडीन और लैमिराफिन भी साथ में दी जाती है 2 to 6 वीक के लिए। और अगर वो न्यूबॉर्न को जो एच आई वी अगर इन्फेक्टेड हो चुका है, अगर न्यूबॉर्न में भी एच आई वी इन्फेक्शन है तो उसमें जीटोकुडीन लैमिकुडीन और लैमिराफिन उसको दी जाती है 4 लाइफ लॉन्ग। तो हमने आज देखा एच आई वी इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी।